हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए। तो इसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्किन्ट्रॉन कैविटी यानी अधांत्र नामक गुहा जो है वो पाई जाती है किसमें? तो वो गैस्ट्रुला जो स्टेज है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, भ्रूण अवस्था में जो गैस्ट्रुला स्टेज है उसमें पाई जाती है आंद्रांत नामक जो गुहा है, कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लिडोइक एग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो क्लिडोइक एग जो है वो पाए जाते हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं ये। इनको हम एमनियोटिक टाइप ऑफ एग्स भी कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है एमनियॉन्स का, यानी जो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हैं उनका ये अभिलक्षणिक गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय भित्ति में ब्लास्टोसिस्ट के स्थापन को कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन यानी रोपण कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन होता है जब स्पर्म और ओवम जो है मिलते हैं, और निषेचन होता है तो इम्प्लांटेशन कहा जाता है गर्भाशय भित्ति में ब्लास्टोसिस्ट के स्थापन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन बींग्स इज ऑफ टाइप। तो मानव में जो टाइप ऑफ प्लेसेंटा पाया जाता है वो होता है डिस्कॉइडल टाइप का। हीमोकोरियल एंड डिस्कॉइडल टाइप का जो है इसमें हमें प्लेसेंटा जो है वो पाया जाता है। बिंबवाब ना जो प्रकार का प्लेसेंटा हमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी असामान्यता है जिसमें मानसिक हीनता हो जाती है, जो होती है इस गुणसूत्र में एक अधिसूत्रता के कारण, यानी ट्राइसोमी जो है होती है उसकी वजह से ये एडवर्स सिंड्रोम होता है। और ये होता है जो क्रोमोसोम नंबर 18 है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, यानी तीन जो है यहाँ पे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, थ्री कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 18 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू एमनियोसिंथेसिस फीटल सेल कैन बी कल्चर्ड एंड टेस्टेड फॉर डिटेक्टिंग वेरियस डिजीजेस ऑफ फीटस बाय। यानी जो एमनियोसिंथेसिस का प्रोसेस है उससे भ्रूण की अनेक व्याधियों की सूचना के परीक्षण किए जा सकते हैं। तो वो किस प्रकार किए जा सकते हैं? वो जो है एक तो कैरियोटाइप यानी गुणसूत्र प्रारूप के द्वारा, एंजाइम उत्पादन के द्वारा, और डीएनए के विश्लेषण के द्वारा जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि भ्रूण में जो है किस प्रकार की व्याधियां हैं इनका जो है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था और वृद्धिकरण के विषय में जिस शाखा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम जेरोंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्ब्रश गुणसूत्री विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो पाए जाते हैं, तो ये जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स हैं ये पाए जाते हैं एम्फीबियंस के ऊसाइट्स में। यानी ये जो विशेष लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स हैं ये पाए जाएंगे ऊसाइट्स में ही पाए जाते हैं। सिर्फ मैमल्स जो होते हैं इसके एक्सेप्शन हैं, मैमल्स में जो है ये नहीं पाए जाते हैं, और बाकी जो ऊसाइट्स होते हैं उनमें लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाई। तो ये थ्योरी जो है वो दी थी ब्रिजेस ने इन 1921। ड्रोसोफिला में जो है इन्होंने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोलेसिथल एग्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व्स आर फाउंड इन। तो अति जो सूक्ष्म पीतक अंडे जो है
जिनमें आरक्षित भोज्य पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, ये पाए जाते हैं। ये जो है ऐसे अंडे जो है पाए जाते हैं, इनको हम माइक्रोलेसिथल एग्स कहते हैं, और ये पाए जाते हैं मेन में, यानी लेस अमाउंट ऑफ योक रहता है। तो मनुष्य में जो है योक का अमाउंट जो है वो बहुत कम होता है, तो उनके एग्स जो होते हैं वो माइक्रोलेसिथल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग पैरेलल लाइन इन अडेप्टेशन टू अ सिमिलर एनवायरमेंट इज कॉल्ड, यानी असंबद्ध समूह के प्राणियों का परिवर्धन जो समान वातावरण के अनुकूलन के लिए समांतर होता है उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे हम अडेप्टिव कन्वर्जेंस कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, तो उसे जो है अनुकूली समाभिरूपता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान संबंधी आवर्धन उल्लेख करता है, तो ये उल्लेख करता है कि जो अमाउंट ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स है उनका अमाउंट जो है जैसे सब्सट्रेट जब बढ़ते जाते हैं तो उनमें वो किस तरह से जो है इंक्रीज होता जाता है, यानी जानवरों में कीटनाशकों का सांद्रण, ये दर्शाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें इसको हम बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। इसमें कोई जो टॉक्सिक केमिकल होता है उसकी अमाउंट जो है वो हायर लेवल में बढ़ती जाती है इन अ फूड चेन। नेक्स्ट है मॉरर्स डॉट आर ऑब्जर्व इन द इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन इफ दीज आर इन्फेक्टेड विद, यानी मॉरर्स डॉट जो है कब ऑब्जर्व किया जाते हैं, जब ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम से जब है इन्फेक्शन होता है ह्यूमंस में, जब ये फेल्सीपैरम वाला मलेरिया होता है तब ये जो डॉट्स हैं ये ऑब्जर्व किए जाते हैं इन द RBC जो है ह्यूमन के उसमें। नेक्स्ट है क्रोमोसोम एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, यानी गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होते हैं, इसका वर्णन सर्वप्रथम किया था स्ट्रासबर्गर ने, लेकिन सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल में कार्ल वॉन नगेली ने इन 1842 में जो है कार्ल वॉन नगेली ने इनको ऑब्जर्व किया था, और ये बताया था स्ट्रासबर्गर ने कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रीसेंट पास्ट यानी निकट अतीत में मानव गुणसूत्रों का अध्ययन एक ऐसी तकनीक द्वारा किया गया है जिसमें विशेष रंजक का प्रयोग करते हैं जो पौधा प्रतिदीप्तिकारी होता है, इसे कहते हैं। तो इसमें जो हम इन जो फ्लोरोसेंट डाइज जो है यूज़ की जाती है इसे हम बेंडिंग टेक्निक कहते हैं। प्लीज़ अवॉइड द अनवांटेड नॉइज़। ऐसे बैंडिंग जो है हम टेक्निक कहते हैं, ये जो है बहुत प्रकार की होती है, CGQRT, तो इस तरह की जो है ये टेक्निक रहती है, इसमें जो फ्लोरोसेंट डाइज जो है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है घड़ियाल में निम्न प्रकार का दंत विन्यास होता है, तो घड़ियाल में जो है वो थीकोडोंट टाइप का जो है दंत विन्यास होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है, यानी स्कल जो है वो सॉलिड रूफ होता है, तो ये होता है एनाप्सिडा, जो टर्टल्स रहते हैं एनाप्सिडा, यानी जो कछुए होते हैं उनकी जो स्कल होती है उसमें कोई छेद नहीं होता है, अच्छिद्र छेद होती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये दंश कोशिकाएं जो है ये पाई जाती हैं, ये एक तो जो है स्टिंग सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, यानी ये माइन्यूट इलांगेटेड छोटे छोटे इलांगेटेड और स्फेरिकल कैप्सूल्स जो रहते हैं प्रोड्यूस करते हैं बाई एक्सक्लूसिवली बाई फाइलम निडेरिया से। जेलीफिश, कोरल्स एंड सी एनिमोन, तो इनमें जो है ये पाया जाते हैं निमेटोसिस्ट। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सिलेंट्रेट में भी जो है निमेटोसिस्ट पाया जाते हैं सिलेंट्रेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से जो है सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है वो है इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है
सो जो सी कुकुम्बर है वो पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तनधारियों में अनुप्रलंबन विशेषता निम्न प्रकार से होती है, यानी जॉ सस्पेंशन कैरेक्टरिस्टिक होता है मैमल्स का किसका? तो ये होता है क्रेनियोस्टाइलिक. बी ऑप्शंस का सही है कि अपर जॉ जो है वो इनकॉर्पोरेटेड रहता है इन द ब्रेन केस, यानी वो हिलता नहीं है, एंड जॉ सस्पेंशन. तो इस तरह का जो है मैमल्स में पाया जाता है, और नीचे वाला जॉ जो हमारा वो हम मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है, बोन फॉर्म्ड बाई ओसिफिकेशन ऑफ ए टेंडन इज कॉल्ड एज, यानी कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को क्या कहते हैं? तो उसे हम सेस्मॉइड बोन कहते हैं, सेस्मॉइड अस्थि. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इंटू फोर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर, यानी प्रोटोजोआ संघ का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर होता है? तो वो जो उनमें गति विषयक संरचना के आधार पर उनमें ये क्लासिफिकेशन किया जाता है. नेक्स्ट है, कीटों के पंख तथा पक्षियों के पंख निम्न में से उदाहरण हैं. तो ये उदाहरण है एनालॉगस स्ट्रक्चर का, एनालॉगी का, क्योंकि दोनों का जो काम है वो उड़ने में होता है, लेकिन दोनों में जो है ओरिजिन जो है उनकी उत्पत्ति जो है वो कॉमन नहीं है. ये एग्जांपल होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जिनमें स्विम ब्लैडर का बाहर से कोई संचार नहीं होता है, जिनमें पुनर्अवशोषण एवं स्त्रावी भाव एक भाग एक दूसरे से सुस्पष्ट पृथक नहीं होते कहलाती हैं, यानी जिनमें जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता बिटवीन विद द एक्सटीरियर एंड द रीअब्सॉर्बेंट एंड द सेक्रेटरी पार्ट इज नॉट शार्पली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड एज. तो ऐसी फिश को जो है हम क्या कहते हैं, इन्हें हम फाइसोस्टोम्स कहते हैं. ऑप्शन फर्स्ट जो है सही हो जाएगा इसमें. इनमें क्या होता है, एक न्यूमेटिक डक्ट रहती है जो कनेक्ट करती है गैस ब्लैडर को टू द एलिमेंट्री कैनाल, फाइटोस्टोम्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अजर इज ट्रांसमिटेड बाय, जो काला अजर डिजीज है वो किससे ट्रांसमिट होती है? तो जो सैंड फ्लाई होती है उसकी बाइट से ये सो इसका आंसर हो जाएगा सैंड फ्लाई से होती है काला अजर डिजीज, और सीसी फ्लाई से जो है होती है स्लीपिंग सिकनेस. नेक्स्ट है, अधिवृक्क बलकुटक के अधश्रवण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, यानी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके अंडर सिक्रीशन से कौन सी रोग होती है? तो इससे जो है एडिसन्स डिजीज होती है. इसमें क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथार्मोन प्रेरित करता है, तो पैराथार्मोन जो है वो प्रेरित करता है सीरम में कैल्शियम की मात्रा की वृद्धि को. ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन बी समूह से संबंध नहीं रखता है? तो इसमें से जो टोकोफेरोल है वो विटामिन बी से नहीं है, ये विटामिन ई का जो है साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय के आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य पेशी वलन को कहते हैं, तो उसे जो है हम कहते हैं रॉग या रुजी. ये ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल जो है वलय रहते हैं उसमें अमाशय के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैमरी ग्लैंड इज मॉडिफाइड, तो मैमरी ग्लैंड जो रहते हैं वो मॉडिफाइड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये मॉडिफाइड एनलार्ज स्वेट ग्लैंड है. दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये. एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई ये, और ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है. नेक्स्ट है, कैप्सिड जो है वायरस का जो खोल है वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है प्रोटीन से.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीजेज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल्स, इनमें से कौन सी जो है वायरल डिजीज जो है डोमेस्टिक पालतू जानवरों में पाई जाती है, तो ये है, इनमें से जो है कोई सी भी नहीं है, नन ऑफ दीज है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है, जॉन्डिस जो है लिवर में बाइल के सिक्रीशन में जो है, और निमोनिया भी जो है डोमेस्टिक एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है सिक्रेटिन अंतःस्रावी उद्दीप्त करता है, सिक्रेटिन हार्मोन जो है स्टिमुलेट करता है किसको, तो ये हार्मोन जो है वो एसिनर जो सेल्स होते हैं हमारे पेनक्रियाज के, उनको पेनक्रिया अमाशय अग्नाशय के जो सेल्स होते हैं उनको ये वाटर और बाइकार्बोनेट्स को सिक्रेट करने में जो है स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन ग्रंथि पोषण अंतःस्राव है, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स आर, तो ये जो होते हैं गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स, एक तो LH होता है, एक FSH होता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहते हैं। ये सिक्रेट होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये इनको हम प्लेसेंटल हार्मोन्स भी कहते हैं, और इसके अलावा HCG जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिन हार्मोन, ये भी जो है गोनेडोट्रॉपिन हार्मोन है, तो LH, FSH एंड HCG। नेक्स्ट है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ लो ड्यूरिंग नाइट द लाइट इज डिटेक्टेड बाय, जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम हो जाती है तो प्रकाश संसूचित होता है, तो ये होता है जो रॉड्स होती है हमारी, जो हमारे आईज में दो तरह की सेल पाई जाती हैं, एक तो रॉड सेल्स एंड देन नेक्स्ट है कोन सेल्स, तो रॉड सेल्स में जो है रोडोप्सिन होता है, ये एक फोटो पिगमेंट है, यूज़ किया जाता है बाय रॉड सेल्स, एंड ये जो है की है फॉर नाइट विजन, रात में हम जो देख सकते हैं वो इसके लिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल्मेला स्टेज किस में पाई जाती है, तो पाल्मेला स्टेज जो है ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऑफ अ लार्ज म्यूसिलेज इन विच मैनी नॉन मोटाइल सेल्स आर एम्बेडेड, जिसमें बहुत सारे नॉन मोटाइल सेल जो एम्बेडेड होके रहते हैं, और ये पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में, यूलोथ्रिक्स में, तो आंसर जो है इसका हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गन बाय विच यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमि आधार से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट। या फिर इसे हम बेसल सेल्स भी कहते हैं। यूलोथ्रिक्स की जो बॉडी होती है वो तीन भागों में बटी रहती है, एक तो है एपिकल सेल्स एंड देन बीच में होती है इसकी मिडल सेल्स, और नीचे वाली जो होती है बेसल सेल्स, या फिर उसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं, उसके द्वारा जो है वो आधार से जो है जुड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है, तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप का होता है, कप के आकार का होता है। द टर्म लाइकेन वॉज फर्स्ट यूज बाई, सबसे पहले जो लाइकेन शब्द का प्रयोग किस साइंटिस्ट ने किया था, तो ये किया था थियोफ्रेस्टस ने। नेक्स्ट है, क्रेडिट ऑफ फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू, तो सबसे पहले विषाणु का जो है क्रिस्टलीकरण किसने किया था, तो ये किया था WM स्टेनले ने, इन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस को जो है वो क्रिस्टल, उसका क्रिस्टल रूप प्राप्त किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, नॉस्टॉक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती है, तो ये जो है कोशिका की जो सबसे भीतरी परत होती है ये बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड से। नॉस्टॉक दो तरह के होते हैं, दो तरह में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन में, ये फिक्स करते हैं जो फ्री नाइट्रोजन है उसको एनवायरनमेंट से फिक्स करते हैं ये। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।